छोटा सा पाइप है, पानी बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। छोटा सा इंजन था, कितना तेज चल रहा था उसका पाइप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह जी, दो दिन से बड़ी कड़क धूप निकल रही है और जो किसानों ने फिर कल से पानी लगाना भी अपनी फसलों को शुरू कर दिया है। पहले जो थी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, जो किसान फिर पानी लगाने में ज़रा डरते थे, तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब दो दिन से सर्दियाँ कम हो गई हैं और जो है धूप अच्छी खासी मज़े की निकल रही है। तो अब जो है दूसरा दिन है, किसानों ने अपनी जो है गंदम को पानी लगाना भी शुरू कर दिया है माशाल्लाह जी। तो अब मैं भी अपने खेतों में ऐसे विज़िट कर रहा हूँ, मैंने सोचा अपने व्यूअर को साथ व्लॉग भी शेयर कर दूँ। तो चलते हैं जी आगे, खूबसूरत से सीन देखते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए। ये देखें व्यूअर्स जी, यहाँ पे भी पानी लग रहा है, तो वहाँ पे टूल सिस्टम चल रहा है, तो मुझे प्यास भी लगी हुई है, मैंने सोचा वहाँ पे पानी पी लेता हूँ। मगर मुझे लगता है यहाँ पे जो इस टूल सिस्टम का पानी है वो काफ़ी कड़वा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। तो इस साइड पे ये देखें पानी जा रहा है, वो उस साइड पर पानी उधर लगा रहा है एक बंदा। तो ये देखें खूबसूरत से सीन है। अब जो है गंदम को कोई लोग पाँचवा पानी भी लगा रहे हैं, कोई लोग चौथा पानी भी लगा रहे हैं। इस जानेब रोड है तो लोगों की आमदोरफ भी हो रही है, वो आगे टूअर सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ चलकर पानी पीते हैं। ओए होए होए होए, अब रास्ता कहाँ से है, इधर से है। बिस्मिल्लाह, ये है जी देसी टूल सिस्टम। ओए होए होए, इंजन तो चेक करें आप लोग, इतना सारा इंजन है, वो देखें छोटा सा पाइप है, पानी बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। दिल कर रहा है यहाँ पे कपड़े उतार कर अंदर चला जाओ, नहा लो गरम गरम पानी है, मज़े का। बाहर का जो माहौल है ठंडा है, मगर पानी जो है काफ़ी गर्म है। पानी जो है फुल मीठा नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा कड़वा है। छोटा सा पाइप है, छोटा सा पानी, मगर इतना ज़्यादा है। आ जाए जिसने नहाना है इधर। जी कैसा लगा आप लोगों को देसी टूबल सिस्टम है, छोटा सा इंजन था, कितना तेज चल रहा था उसका पाइप, पानी का निकलना, होए होए होए, बड़े मज़े का सीन था। हाय हाय, अब जब शाम का टाइम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। उधर वो देखें बाइक पे कज़न जा रहा है, तो मैंने कहा आप बस चलें घर बाइक पे, मैं पैदल आ रहा हूँ बाइक पे, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है।
तो यहाँ पे भी पानी लग चुका है, तो उस साइड अभी भी 12 का आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी इंजन की, तो वहाँ पे भी पानी लग रहा है। सूरज जो है माशाल्लाह ग़ुरूब हो चुका है वो देखें, और बस मगरिब का टाइम होने वाला है 5 मिनट तक। मेरा घर थोड़ा सा फासले पर है, वहाँ घने घने दरख्तों में, तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर, तो 5 मिनट लगेंगे। ओ अजानें भी आ रही हैं, तो चलते हैं जल्दी जल्दी व्यूअर्स। नमाज का टाइम होता है, कोशिश मैं यही करता हूँ कि नमाज ना मिस हो मेरी, तो नमाज 5 वक्त पढ़नी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं जी, सर्दी है। बाकी जी उम्मीद करता हूँ मेरे विलेज लाइफ के ऊपर आप लोगों को व्लॉग अच्छे लगते होंगे। न्यू हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्यूअर के साथ अच्छे अच्छे देहात के कल्चर के सीन आप लोगों को मुहैया करूँ। तो अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, अखराजात इतने नहीं हैं कि मैं ट्रैवल करूँ बड़े बड़े, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊँ। मगर मेरी कोशिश यही है कि मेरे पास जो ही मेरे कुछ अखराजात कुछ सहूलियात मुयस्सर हुई मेरे पास, मैं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं बड़े बड़े व्लॉग करूँगा और बड़े बड़े ट्रैवल करूँगा आप लोगों के साथ। वो वीडियो पहले मैं शेयर करूँगा जो जहाँ जहाँ में भी मैं जो है अपनी ट्रैवल करूँगा, मुख्तलिफ़ सिटीज़ के, मुख्तलिफ़ जगहों के, मुख्तलिफ़ कल्चर के वीडियो तो लाजमी बनाऊँगा, वो पहले आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह अल्लाह के करम से शेयर करूँगा। तो बस कुछ रिसोर्सेज नहीं है, कोई बाइक वगैरह कोई अच्छी आ जाए मेरे पास, अभी छोटी बाइक है, उस पर सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा अल्लाह अगर इतनी ज़िंदगी हुई तो फिर अपनी जवानी के मैं भी व्लॉग देखूंगा, मेरी फैमिली मेंबर भी देखेंगे, आप भी फैमिली मेंबर हैं मेरे, आप भी देखेंगे जब आगे आप बड़े हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हर जगह के सीन कैप्चर करके मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूंगा। अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ एक अच्छे व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ शेयर होऊंगा। तब तक के लिए इरफान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह सोने दी अमान।